हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण यानी हिंदी सेकंड। चैप्टर नंबर आया आपका 15। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। हम नाम है इस चैप्टर का समुच्चय बोधक अब इंग्लिश में कहते हैं इसको कंजक्शन, यानी कि जोड़ना। ठीक है, समुच्चय बोधक अब को कंजक्शन जोड़ना। दो पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले पदों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ठीक है, तो दो पदों या दो वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने वाले पदों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग करके हम दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ सकते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। ठीक है, तो समुच्चय बोधक के प्रकार दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। नंबर एक, समान अधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो पहले समान अधिकरण समुच्चय बोधक को पढ़ते हैं। समान अधिकार या स्तर वाले शब्द या उपवाक्य, जैसे जैसे शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाली अव्यय समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं का संयोजक। ये दो पदों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जैसे और, एवं, तथा, मीरा एवं गीता नृत्य कर रही है, रामू हल चला रहा है और उसकी पत्नी खाना पका रही है। खाता है विकल्प बोधक, ये दो पदों को जोड़ते हैं, ये दो पदों को जोड़ते हैं पर एक के ग्रहण और दूसरे के त्याग का बोध होता है, जैसे यात अथवा दीपक, जैसे यहाँ दीपक आया होगा अथवा पंकज, दोनों में से एक आया होगा, यहाँ दीपक आया होगा अथवा पंकज। ठीक है, विकल्प बोधक हैं दोनों में से एक। कभी कभी ना या ना कि, नहीं तो, चाहे का प्रयोग भी विकल्प बोधक के अर्थ में होता है। नेक्स्ट है आपका विभाजन या विरोध सूचक। ये अब ऐसे दो पदों का उपवाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें दोनों का परस्पर विरोध सूचित होता है, जैसे परंतु, किंतु, लेकिन, पर, मगर, वर्ण, बल्कि आदि। क्षितिज दौड़ा किंतु बीच में ही गिर पड़ा, मेहनत से पढ़ो वरना जिंदगी भर पछताओगे। घा है आपका परिणाम सूचक। यह अब दो उपवाक्यों को जोड़ता है लेकिन दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य के परिणाम की सूचना देता है, जैसे इसलिए, अन्यथा, अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप, परिणामतः आदि। गाड़ी छूट गई इसलिए नरेंद्र स्कूल नहीं जा सका। ठीक है, इसमें परिणाम निकल के आ रहा है ना, गाड़ी छूट गई तो इसलिए नरेंद्र स्कूल नहीं जा सका। पानी बरसना बंद हो गया, अतः अब हम चलेंगे। देखिए, अब समुच्चय बोधक का आता है सेकेंड भाग। पहला था समानाधिकरण समुच्चय बोधक, अब आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इसकी भी हम स्टडी करेंगे। ये अव्यय पद दो समान उपवाक्यों को नहीं, व्यधिकरण वाक्यों, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा कि परिश्रमी छात्र ही सफल होते हैं, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए ताकि समय पर वे हमारी सहायता करें। दीपेंद्र परीक्षा में नहीं बैठ सका क्योंकि वह बीमार पड़ गया। ठीक है, ये दो उपवाक्यों को नहीं, व्यधिकरण उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिए हैं, शिक्षक ने कहा कि परिश्रम छात्र ही सफल होते हैं। ठीक है, जैसे यह है, दीपेंद्र परीक्षा में नहीं बैठ सका क्योंकि वह बीमार पड़ गया। ठीक है, आश्रित है ऊपर के वाक्यों में, ताकि, क्योंकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि या फिर भी, अर्थात, यानी या मानो, जो कि, इसलिए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की आपकी स्टडी हो गई है, एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी और साथ ही साथ अपना नोटबुक में वर्क कंप्लीट करते चलें। ओके स्टूडेंट।